सुगा इसमें रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मैं थोड़ा आगे आगे गया और वहाँ पे मुझे एक भयानक सी चीज दिखी। मैं सोचने बैठ गया कि ये चीज क्या है। फिर मैं उसके पास गया। गाइस गाइस ये क्या चीज है? ये मुझे एक पुतला लग रहा है। व्हाट इज दिस थिंग? अरे मैं तो इसके ऊपर चढ़ गया। तो वो पुतला जैसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा देखने से देख सकते हो गाइस, थोड़ा पुतला लग रहा है। लेकिन ये है क्या चीज? किसका पुतला है? इसकी कोई आंखें वाखे तो कुछ है नहीं। चलो यार बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। यस गाइस, आज मैं दोबारा से लेके आ चुका हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक टॉप 5 एडोन्स की वीडियोस। सो मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी डाली थी और उसके अंदर मैंने पूछा था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो के ऊपर डालूं। तो तुम लोगों में से ज्यादा लोगों ने सिर्फ टॉप 5 एडोन्स को ही रिप्लाई करा था, 90%। अब जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक कितने परसेंट हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अभी 90% है। ये टॉप 5 एडोन्स एक कुछ गोस्ट ऐसा है कुछ समझ लो, बिकॉज ये कुछ मॉब्स के एडोन्स है। अंदर कोई भी ये नेचुरल जैसा कोई भी एडवांस नहीं है, इसके अंदर सब गोस्ट एडवांस है, मतलब मॉब्स एडवांस जो अपन को मारते हैं। और इतने पावरफुल मॉब्स है ये पांचों पांच मॉब्स के अंदर पहुंच सकती है। तो ये अपना पांचवा मॉब जिसका नाम है ग्रीफर मॉब। तो ये जो पुतला देख रहे हो ये आपको क्रिएटिव की इन्वेंटरी में कहीं नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप वन, आपको एक ग्रीफर नाम का यहाँ पे कुछ सर्च करना है, GR ऐसा लिख दोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज मिलेगी। आपको ये चीज ले लेनी है, मैंने पहले से ले चुका हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको इसे रखना है यहाँ पर, कहीं भी रख सकते हो। फिर आपको कॉबल स्टोन लेना है, फिर यहाँ पे आपको बिल्ड का ऑप्शन आएगा तो बिल्ड करो। फिर स्टोन ब्रिक लेना है, उसके ऊपर दो बार बिल्ड करो। फिर ऑप्सीडियन लेना है, ऑप्सीडियन को भी एक बार बिल्ड करो और ये आपका तैयार हो गया। लेकिन अभी एक चीज मैंने जो टोटम ऑफ अंडा है तो यहाँ पे बिल्ड कर देते तो ये हो गया अपना कम्प्लीट। सो एक काम करते यार, इसको मार देते क्योंकि ये मॉब बहुत पावरफुल है। लिटरली मैं कह रहा हूँ ये बड़ा ही पावरफुल मॉब है। तो इसको स्पॉन करने के लिए हमें थंडर जैसा ऐसा कुछ करना पड़ता है और इसके ऊपर थंडर गिरानी पड़ती है। रुको ये आर पार चला गया, ये देख सकते हो अभी ये डायमंड जैसा कुछ हो गया और इसके अंदर से चिंगारी निकल रही है। तो ऐसा आ जाए तो आपको खबर पड़ी जाएगी कि ये एडोन वर्क करता है और आपको एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना पड़ता है। गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक, देखो इसका एनिमेशन है। ओ भाई साहब, देखा गाइस? नहीं। यही है ये एडोन। और मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि ये एडोन लो एंड डिवाइस के लिए नहीं है, बिकॉज ये वाला मॉब बहुत सगले एक्सप्लोजन और सब करता है। तो आप प्लीज लो एंड डिवाइस के अंदर मत खेलना, नहीं तो आपकी गेम क्रैश भी हो सकती है। ये मॉब बड़ा ही ताकतवर मॉब है, यह बहुत सगले मॉब्स को स्पॉन करता है, फिर थोड़ी देर बाद ये और ताकतवर होता जाता है। देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे क्रीपर इसने छोड़े, ये बहुत सगले मॉब्स छोड़ता है। क्रीपर ही नहीं, TNT भी छोड़ता है और आपकी गेम भी क्रैश करवा सकता है ये। मतलब आपको मत सिखा। चल तो स्वागत है आपका मेरा एक और नया वर्ल्ड में जिसका नाम है हलवो भाई। यस, जब पिछली वाली वीडियो में सिंचान ने मेरा नाम हलवो भाई रख दिया था तो तुम लोग मुझे हलवो भाई के चिड़ा ले कब से। प्लीज प्लीज कमेंट्स में हलवो भाई मत लिखो, बड़े अजीब नाम है ये। इसके लिए मैंने सिंचान को आज बुलाया ही नहीं ये वाली वीडियो में। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया। बुरा लगता है यार, तुम लोग ऐसे कमेंट्स करते हो अच्छा लगता है यार। हलवो भाई एक बड़ा इरिटेटिंग नेम है। अगर मैं तुम्हारा नाम हलवो भाई रख दूं तो न्यू रख दूं तो हलवो सब्सक्राइबर्स। तो चलो, अभी बहुत ज्यादा टाइम पास हो चुका है तो कुछ कुछ बंदे ये भी कमेंट करते हैं कि भाई तू टाइम पास बहुत करता है। सो अगर आपको हलवो भाई नाम इतना ही अच्छा लगता है तो कमेंट्स में एक कमेंट कर दो
हेलो भाई जिंदाबाद और वेलमो, ये भी लिखना वेलमो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सच्ची में बहुत ही ज्यादा टाइम पास की बातें करा करता हूँ। अभी भी जो बात कर रहा हूँ वो भी टाइम पास ही है। प्लीज आप कमेंट्स में ये भी मत लिखना कि भाई तू ज्यादा टाइम पास करता है। ये डोन के लिए आपको ये सब चीजा चाहिए। अभी ये सब देख के तो आपको पता चल ही गया कि मैं कौन सा मॉब स्पॉन करने वाला हूँ। जिसको पता चल गया तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो अभी इसको स्पॉन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ये रखना है सब कुछ, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेना है। इसके ऊपर रेडस्टोन ब्लॉक रखना है, फिर रेडस्टोन टॉर्चेस रखनी है, और ये डॉन के साथ आपको एक NT3303, आपने नाम देख कर तो पता चलेगा अगर अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये डॉन आपको कुछ स्पेशल चीजा भी देता है। आप यहाँ पे बर्थडे केक, इसके अंदर एक बर्थडे केक भी है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या यूज है। फिर यहाँ पे एक स्पॉट है, इससे NT3303 को मार सकते हैं। और इसको स्पॉन करने के लिए ये स्टार चाहिए, मुझे नहीं पता इसकी रेसिपी क्या है, लेकिन क्रिएटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अभी इसको स्पॉन करते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, ये स्पॉन हो चुका है और यहाँ पे इसने बारिश कर दी है। अब मैं इसे हटा नहीं सकता, बिकॉज ये NT303 स्पॉन होता है तो बारिश कर देता है। और ये रहा अपना NT3303। आपको मत सिखा चल, ये बहुत ही जल्दी मर जाता। देखो ये मेरे हिसाब से विदर के टाइप ही है। देखो अभी हम लोग इसको मारेंगे ना, तो देखो ये एकदम विदर जैसा ये सब गड्ढा कर देता। देखो विदर भी ऐसा ही गड्ढा करता है ना। स्वॉट के साथ इसको मारेंगे तो ये बड़ा ही जल्दी मर जाएगा। लेकिन ये गाइस मैं आपको कहता हूँ, ये बड़ा ही ताकतवर है। आप जो ये देख सकते हो ना, ये इसका अटैक है, और ये NT303 कहाँ गायब हो गया। ये टेलीपोर्ट भी होता है एंडरमैन की तरह, और गेम भी लैग करता है, बड़ी डेंजर वाली। इस अडोन का मॉब इतना पावरफुल है। तो मैंने इसको टॉप 3 के अंदर रखा है। अब इसकी शक्ल तो बड़ी घटिया, इसकी शक्ल के हिसाब से तो मुझे इसको टॉप 10 के 10 में रखना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। लेकिन इसकी पावर को देख के मेरे को इसको टॉप 3 के अंदर रखना पड़ा। Okay. और मैं आपको बता दूं, ये टॉप 5 एडवांस का ये जो भी है मॉब से, तो ये मेरे हिसाब से मैंने फिक्स करा है कि टॉप 5 पे कौन है, टॉप 4 पे कौन है, टॉप 3 पे कौन है, टॉप 1 पे कौन है, ऐसा ही कुछ। अगर आपको जो एडवांस अच्छा लगता है आप वो एडवांस को टॉप 1 पे रख सकते हो। Okay. तब बहुत हो गया टाइम पास, तो चलो इस वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। तो नंबर 3 एडवांस आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आंख वाला विदर जैसा को दिख रहा है, तो यही है। इसकी शक्ल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन इसकी पावर मेरे को बड़ी पसंद आई। चलो इसे स्पॉन करते हैं। ओह देख सकते हो गाइस, पहले से ही इसने अपना मोटा पेट बाहर निकल दिया है। तो इसे स्पॉन करने के 2 तरीके हैं, एक है कमांड ब्लॉक का तरीका और दूसरा है इसे। और ये वाला मॉब बड़ा ही पावरफुल है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे मत ही खेलना। यस गाइस, ये आपका वर्ल्ड या गेम दोनों क्रैश कर सकता है, बिकॉज ये थोड़ी थोड़ी देर में ना इसका स्टेज बदलते जाता है, ये बड़ा होते जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। ये ब्लॉक्स खा के ये अपनी हेल्थ बढ़ाता है और थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और गाइस मैं आपको इसकी हेल्थ के बारे में बताऊं, तो इसकी हेल्थ है अभी स्टेज 1 के हिसाब से, टोटल इसके अंदर 6 स्टेज है। तो अगर आपने इसे 6ठे स्टेज पे कुछ ना कुछ करके पहुंचा भी दिया ना, तो आप इसे कभी नहीं मार पाओगे, बिकॉज 6ठे स्टेज की जो पावर इसके अंदर है ना, कोई भी स्वॉट से मरेगा नहीं। तो वेलकम बैक टू अनदर नया वर्ल्ड, जिसका नाम है हलवो चाचा। आई नो बड़ा गंदा जोक मारा मैंने, हंस दो अभी जरा। तो गाइस ये वाले एडॉन के अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा, आप देखो अगर आपको आरएल क्राफ्ट पसंद है, नहीं इफ यू लाइक आरएल क्राफ्ट, सो प्लीज प्ले दिस गेम, प्लीज प्ले दिस एडॉन। Okay. ये एडॉन लिटरली में बड़ा ही औसम है, इसके अंदर हद बिना की चीज है। मैं चाहूँ तो इसको टॉप 1 पे रख सकता हूँ, लेकिन जो टॉप 1 पे एडॉन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट एडॉन था पहले से और अभी भी है वो ही। इसके लिए मैंने मेरे हिसाब से वो वाला एडॉन टॉप 2 पे आ सकता है, लेकिन मैंने इसको टॉप 2 पे रखा है। तो अभी चलो ये एडॉन के बारे में बात करते हैं, अभी उसके एडॉन के ऊपर नहीं करते, थोड़ी देर बाद हमें वो एडॉन के ऊपर जाना ही है।
तो ईयर ऑन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को भी थोड़ा थोड़ा कम आता है। तो ईयर ऑन आपको थोड़ा सा अजीब जैसा लगेगा, मुझे भी अजीब लगता है। इसके अंदर हद बिना की चीज है। क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ देखो, इसके अंदर इतने सगले स्पॉट से, इतने सगले इंगट से, आर एल क्राफ्ट ऐसा है, कुछ समझ लो इसे। नहीं, एकदम सेम टू सेम तो नहीं है ये आर एल क्राफ्ट। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ बोतल देख रहे हो ना, नहीं, अगर मैं ये बोतल को फेंकूंगा तो मेरे आजू बाजू से आग निकलते हो जाते हैं, और ये जाएगी कब मेरे को ये नहीं पता। और भी बहुत सारी बोतल है जैसे कि हेलो पार्टिकल, ये भी अगर मैं फेंकूंगा तो मेरे आसपास से कुछ पार्टिकल्स निकलेगा जो अभी दिख रहे नहीं है। और इसके अंदर एंड भी बड़ी अजीब है। सो देखो मैं आपको कुछ बॉसेस स्पॉन करके दिखाता हूँ। ये तो बॉस नहीं है, ये है बॉस जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वे, अबे गेम मत लैग करा। अबे भाई बड़ा ही औसम बॉस है। देखो स्पॉन होते ही बिजली गिराना चालू कर दे अक्की जगह पे आग। फिर आता है ये, इसका नाम नहीं पता, इसको स्पॉन करके देखते हो। ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसकी मुंडी का है। ओए भूत भागो। फिर आता है इसका मेन बॉस जो बड़ा ही ताकतवर है। तो ये रहा वो चीज जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ये तीनों का यूज मुझे मत पूछना। सो जैसे आप ये एडॉन को अप्लाई करोगे तो एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना, मैं आपको पहले से कह देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे ये वर्ल्ड को जनरेट करोगे तो ये वर्ल्ड एकदम वर्ल्ड बॉर्डर नाम से आएगा, कुछ माइनक्राफ्ट ऊपर लिखा आता है तो वहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डर लिखा होगा, और फिर बाद में कुछ चाइनीज की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें चाइनीज भाषा लिखी होगी। सो ये है ओरिजिनल किंग जो बड़ा ही शक्तिशाली, या भी अभी आपको ये छोटा दिख रहा है, थोड़ी देर में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये जो ये बक्सा दिख रहा है ना, नहीं, ये बड़ा ही बॉम्ब ब्लास्ट अपने को पीछे फेंकेगा, बड़ा हो गया ये। भले ही हम क्रिएटिव में, लेकिन ये क्रिएटिव में भी हमें मारता है। आपकी बड़ी गंदी गेम लैग करवाएगा तो प्लीज लो एंड डिवाइस में मत खेलना। तो ये जो आपको मैं एडॉन दे रहा हूँ, इससे आप एक सीरीज बना सकते हो। तो ये एडॉन के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स भी बने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम परसेंट ही होते हैं कि ये स्ट्रक्चर होते हैं। यस, ये स्ट्रक्चर बहुत ही कम परसेंट होते हैं। तो ये वाले वर्ल्ड के अंदर मुझे कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखे है। तो ये दिखने में तो बहुत ही असम हो रहा, तो मैं अभी अंदर जाके आपको बताता हूँ। मैंने भी नहीं देखा है ये चीज। तो ये देख सकते हो, इसके अंदर एक ऐसा गार्डन है और यहाँ पे ऐसे ये सब, ये क्या, इसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। ये आप जो देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है जो ये सब इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये लोग ये साइंटिस्ट है और यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? और बताओ क्या चल रहा है जनाब? हिंदुस्तान में तो चल रहा है। और इसके अंदर भी एक बड़ा ही ताकतवर बॉस है जो मुझे बड़ा ही मजा लगा। ये देख सकते हो, ये है ये बायोम। देखो यहाँ आपका पानी भी एकदम पर्पल कलर का हो गया, और ये बायोम एकदम, ये ऐसी कुछ, ये कौन सी चीज है मेरे को नहीं खबर, लेकिन ये कोई तो चीज है। और यहाँ पे देखो पानी का कलर देखो, ये पानी दिखने से इतना गंदा लग रहा है यार, एकदम बहुत ही अजीब चीज लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये बायोम बहुत ही रेयर है, तो जल्दी आपको नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता मुझे किस तरह मिल गई। और मैं आपको बता दूं कि ये लो एंड डिवाइस के लिए तो बिल्कुल अडोन नहीं है, बिकॉज ये अडोन है 63 MB का। और इससे आपका वर्ल्ड बन सकता है 73 MB का बन सकता है। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस थिंग्स, सॉरी। इसके अंदर गन से, फिर कुछ अलग अलग टाइप्स के मॉब से वगैरह वगैरह। तो आपको सबसे बड़ा बॉस को स्पॉन करने के लिए पैनकेक्स चाहिए। फिर स्पॉन पैनकेक्स के लेने के बाद आपको कोई अच्छी सी जगह सोचनी है। फिर बाद में बड़ा बॉस है तो आपको यहाँ पे अपनी चीट्स को ऑन करना है, बिकॉज चीट से ही ले सकते हो वो सामान। तो यस गाइस, ये रही कमांड्स। सो आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, ये तीनों चीज, तो देखो यहाँ पे स्लैश गिव एडेड PSCP, फिर ये इसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं खबर। फिर आता है स्कारलेट। फिर यहाँ पे आपको जो तीनों चीज दिख रही है ना, तो ये सारे ले लेने, मैं ले लेता हूँ जल्दी से ये डेब्रिस। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने तीनों चीज ले लिया, लेकिन मैं भूल जाऊँ इसको स्पॉन किस तरह करते है। तो यहाँ पे एक डेब्रिस रखना है, फिर यहाँ पे एक, मैं दो गैप यू रख के, फिर बाद में यहाँ पे एक और डेब्रिस रखना है, फिर से यहाँ पे दो स्टोन ब्रिक रख के एक और डेब्रिस रखना है, फिर से दो डेब्रिस और दो स्टोन ब्रिक, फिर डेब्रिस दो स्टोन ब्रिक। फिर ऐसा होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक और ये स्टोन ब्रिक ने स्टोन ब्रिक, फिर आता है स्टोन, जो भी खाली जगह दिख रही है उसके अंदर भर देने का है। फिर बाद में यहाँ पे एक और डेब्रिस देने की है, तो यहाँ पे सात का फेंकना नहीं था, यहाँ पे रखना था। आर यू रेडी टू स्पॉन स्कारलेट किंग? अरे हाँ भाई हाँ।
तो ये रख दिया मैंने, और ये मेरे से कुछ बातें कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा या मेरे को नहीं खबर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ बड़बड़ करता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बोल रहा है, यहाँ पे लिख के भी बता रहा है, और ये अपना स्पॉन हो रहा है, धीरे धीरे करके स्पॉन होगा भाई साहब, ये स्पॉन हो चुका है। अबे अरे हाँ मैं भूल गया था गाइस, आप इसे जैसे स्पॉन करोगे, ये जैसे स्पॉन होगा तो आप सीधा सर्वाइवल के अंदर आ जाओगे। तो यस गाइस इससे दूर रहना, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर आप अभी क्रिएटिव में जाने की कोशिश कर भी रहोगे ना तो नहीं जा पाओगे। मैं आपको अभी प्रूफ नहीं दिखा सकता बिकॉज अभी बहुत लोडिंग होगी इसके अंदर। तो ये देख सकते हो लाल लाल कुछ ड्रॉप कर रहा है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा मारो या ये इसका स्टेज वन है, स्टेज वन बहुत ही ज्यादा नूबड़ा है।